आज हम दोस्तों एक काफी ज्यादा सीरियस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। कोमल राज ने जो नया वीडियो अपलोड किया 2 दिन पहले, उसके अंदर बताया गया है कि लक्ष्य चौधरी ने एक फॉरेन यानी जो कनाडा की रहने वाली लड़की थी, जो कि लक्ष्य चौधरी की मतलब सब्सक्राइबर थी, उसके साथ उसने स्कैम करने की कोशिश की है। फुल कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, काफी सारे फैक्ट और प्रूफ पर बात की है कोमल राज ने, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि दोस्तों ये सच है यानी कि कोशिश की गई है स्कैम करने की लक्ष्य चौधरी के द्वारा उस कनाडा की लड़की के द्वारा, यानी वो कनाडा में रह रही थी, शायद वो इंडिया की थी, तो यदि वो सच है ना, तो ये बहुत ही बुरी बात हो सकती है दोस्तों। और ये लक्ष्य चौधरी की जो फैन है ना, उनको तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। और अब आप लक्ष्य चौधरी का कमेंट सेक्शन जाके चेक कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट वीडियो है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि वाह लक्ष्य भाई, आप तो स्कैम भी करने लगे हो #कॉमन, क्योंकि कॉमन राज के द्वारा ऐसा बताया गया कि उनके कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे जाकर, ताकि उन तक ये वीडियो तो पहुंच पाए, और वीडियो तो पहुंच ही जाएगा 100% श्योर, ये कोई इतना कोई महान थोड़ी है दोस्तों, वीडियो पहुंच जाएगा। और हम तो यही चाहते हैं दोस्तों, हम सब यही चाहते हैं कि कॉमन राज के इस पॉइंट का क्लेरिफिकेशन दे, रिप्लाई दे और इस पर रिएक्ट करें। क्या न्यूज सच है, क्या मतलब गलत है, उसके बारे में वो लक्ष्य चौधरी हमें वीडियो बनाकर या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर बताए। और ये जो आपको पता है ग्रुपिज्म के बारे में बोल रहा था इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर, हम तो ग्रुपिज्म करते हैं, क्या कर लोगे वो कर लोगे, आपको पता होगा कि उस टाइम वो कॉमन राज को ही पोक कर रहा था। अब कॉमन राज इस लड़की से बात की है जो कि कनाडा में रह रही है, तो उनका स्कैम क्या था, एक आईफोन का स्कैम था और एक PS5 का भी स्कैम था। उन्होंने कहा कि लक्ष्य ने मेरे कहा कि आईफोन की प्राइस क्या है, और फिर उसने बोल दिया कि चलो यार गिफ्ट भी मान लो, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे बोल ही देते हैं, लेकिन ऐसा सच में लेते थोड़ी है। आपको कोई बोलता है कि चलो इसको गिफ्ट ही मान लो, और इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है तो उसको आप गिफ्ट नहीं मानोगे, उसको पे जरूर करोगे आप। तो कॉमन राज ने अपने वीडियो के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है, पहले तो मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरी तरह सुना देता हूँ। सो मेरे साथ अभी स्मृति है, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया था। आई डोंट नो दिस पर्सन, बट जब इसने मेरे वीडियोस को देखा, जो पिछले 2 वीडियोस लक्ष्य चौधरी के ऊपर थे, तो शी एक्चुअली थॉट कि आई एम ए मीडियम विच कैन लाइक एक्चुअली टेल अर स्टोरी। एक्चुअली मैं लक्ष्य को बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, और उसकी बहुत टाइम से सब्सक्राइबर भी थी, और मैंने उसके जैसे सब करते हैं इंस्टा पे DMs वगैरह करना, के लाइक यू दिस दैट, इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि समवन इज कमिंग फॉर फॉरेन, सो जस्ट DM मी। तो उसने बोला कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं कनाडा से आ रही हूँ यहाँ पे, तो इज दैट ओके कि मुझे DM मी ऑन माय व्हाट्सएप। सो उसके बाद ही सेट किया आईफोन 12 का क्या प्राइस है और वो सब कि यहाँ से मिल जाएगा, कि मुझे अर्जेंटली चाहिए, कि मैंने उसको कैजुअली ऐसी जस्ट इन अ कूल वे कैजुअली एज अ गुड जेस्ट मैंने बोले कि यार जस्ट हम कैजुअली बोल देते हैं कि यार चल छोड़ो गिफ्ट ही समझो। आई वाज शॉक्ड, उसने एक बार भी नहीं बोल कि नहीं यार आई वांट टू पे यू इतना एक्सपेंसिव बट आई कैन नॉट टेक इट। उसने बोला कि वाह गिफ्ट, उसने यही लाइन बोली सेकंड। तो मुझे तो जितना लगता था जितना वो अपने वीडियोस में दिखाता है कि मैं तो ऐसा बनना हूँ वैसा बनना हूँ, मुझे वो रिप्लाई एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि PS5 की बात हुई, तो मैंने सोचा कि यार मैं PS5 भी कर देती हूँ, मैं उसको PS5 का बोल लूंगी तो शायद उसको थोड़ा खुद ही मिल जाएगा कि यार he have to pay, you wanted him to pay right, what because main PS5 ka involvement laungi to he would pay for both products right, costed me a lot of money aur yahan pe bhi cheez expensive hi hai, 12 kaun sa pro max tha shayad right, yeah, so, yeah. pro max sabse mehanga wala phone lakshya chaudhary wanted and he wanted them as gift, khud ki jo maine savings thi wo maine sab laga di isme, but he said ki oh wow one more gift और मैं तो डबल शॉक हो गई थी यार, तब इट मेरे लिए और सिचुएशन वियर्ड हो जा रही थी और कॉम्प्लिकेट हो जा रही थी। बट मैंने बोला कि चल छोड़ो अभी, कि अब चलो क्या कर सकते हैं, कि चलो मैं उसके एटलीस्ट मिल लूंगी, उससे बात कर लूंगी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात। उसके बाद हमारी ये बात हुई थी कि जब मैं कनाडा से मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचूंगी तो वो वहां से आ जाएगी, क्योंकि वो इतना दूर नहीं है, वो इतना ज्यादा ड्राइव ही सेट कि मैं आ जाऊंगा और एयरपोर्ट पर मिल लेंगे और gift, we will exchange the products. तो जब मैं यहाँ पे दिल्ली लैंड हुई, then he said, then he started making excuses कि यार अपने फ्रेंड को भेज देता हूँ और वो सब। इतना मुझे गुस्सा आया उस टाइम, एक तो मैं इतनी लंबी फ्लाइट से आई और मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि यार मैं लक्ष्य से मिलूंगी, चलो मैं प्रोडक्ट दे दूंगी, मैंने वो सब छोड़ दिया था कि कॉस्टली है ये है वो, मैंने कहा चल छोड़ो यार। अप डाउन करने का कितना प्राइस होता है? अराउंड $2,000, बट चेंज होता रहता है, बट 2,000 तो रहता ही रहता है। बस लाइक मतलब कि मैं किसी स्ट्रेंजर बंदे को जिसको मैं जानती हूँ, जिसको हाउ कैन आई गिव सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सो इट वॉज नॉट वेरी गुड फ्रॉम लक्ष्य साइड। जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आई तो मेरे घर वाले इतना मुझे स्कोल के, फिर वॉन्ट स्कोलिंग मी फॉर ब्रिंगिंग फॉर द सडन विजिट एंड फॉर ब्रिंगिंग सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। इतना मुझे मेंटली वो हुआ ना कि यार एक तो वो बंदा नहीं मिल रहा मुझे जिसको मैं मिलने आई, स्पेशली और ऊपर से डांट पड़ रही है। अगेन मैंने मुझे लगा कि चलो अब तो मिलने आएगा, कि चलो मैं ऐसे दी जाऊंगी या फिर वो आ जाए, बट ही स्टार्टेड सेइंग कि यार इस फ्रेंड से मिल लो, मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है, वो फ्रेंड यहाँ पे रहता है, उसको दे दो, इसको दे दो, तो मैं उसके फ्रेंड से क्यों मिलूं, मुझे उससे मिलना है, हाउ कैन आई मीट अ स्ट्रेंजर एंड एक्सचेंज सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स नॉट। सो उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टेड कि यार नहीं मुझे आपसे ही मिलना है तो मैं आपको ही दूंगी, देन अगली सुबह ही ब्लॉक्ड मी। व्हाट द फक,
अब यहाँ पर साफ मालूम पड़ रहा है कि उसने सिर्फ आपको प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया कि भाई आप प्रोडक्ट लेके आओ, उसके भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, वो चाह रहा था कि भाई सारी चीज़ें मेरे को फ्री में मिल जाए। तो दोस्तों आपने सुन लिया कॉल रिकॉर्डिंग, और यदि यह सच है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है 90% से ज़्यादा सच्ची है, 90% के 100% सच्ची है, यदि रक्षा चौधरी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो यह कहता है कि मैं क्लाउड नहीं देता किसी को। भाई यहाँ पर क्लाउड आपके पास यदि जवाब है तो तुम क्लाउड क्यों नहीं दोगे? अब जो इनके बारे में बोला है कोमल राज ने, यदि इसके पास जवाब होता तो फटके से इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर आके दे सकता था, पोक भी कर सकता था, की मतलब वो इनडायरेक्टली भी दे सकता है, इनको क्लाउड भी नहीं मिलता भाई, इतना भी वो क्लाउड नहीं देना चाहते अपने आप को, घमंडी माता कुछ भी मान लो दोस्तों आप, तो भाई ये भी तो कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली, और वो लड़की थी यहाँ पर इंडिया में आई थी, उसको कितनी परेशानी हुई होगी वो तो आप ही जानते हैं। और यहाँ पर एक बात और है दोस्तों कि लक्ष्य चौधरी ने इसको ब्लॉक भी कर दिया था भाई, इतने बातें होने के बाद ब्लॉक कर दिया था, वहाँ पर बुला भी लिया था, कह रहा था कि उसके फ्रेंड से मिल लो ऐसा कुछ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लक्ष्य चौधरी इसका रिप्लाई दे, इनडायरेक्टली दे या फिर डायरेक्टली दे, क्योंकि सबको पता है। और इसके वीडियो पर समथिंग 71K व्यूज है, तो इतने लोग तो भाई इनसे हेट तो मुझे लगता है कोई 5 बंदे नहीं करते, कॉमन राज से क्यों हेट करेंगे यार, फुल फैक्ट पर बात किया है, हम किसी के फैन है, मैं भी फैन था पहले, लेकिन यदि इसका क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो भाई मैं लक्ष्य चौधरी का फैन नहीं हूं। और यदि आप भी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, फैन नहीं हो तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इनके वीडियोज को डिसलाइक करूंगा, मैं नहीं देखूंगा, भाई जो मेरे पास फैक्ट होंगे वो उसके बारे में मैं भी बात जरूर करूंगा। आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप चाहे इस वीडियो को चाहे आप कोमल राज के वीडियो को टैग कर देना इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर लक्ष्य चौधरी को कि इसका आंसर दे। जय हिंद दोस्तों।